नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्संग जाने का क्या फायदा है, सत्संग जाके मिलता क्या है, संतों के दर्शन करके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है या मन में ये ख्याल है तो आज की कहानी आप ही के लिए है। और किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेजना मत भूलिएगा जो आपसे बार बार पूछे कि आप सत्संग में क्यों जाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक बूढ़ा चोर था जो बहुत चोरियां किया करता था। जगह जगह पर पूरे जीवन भर उसने चोरी करके अपने पूरे परिवार का लालन पालन किया, उनको पढ़ाया लिखाया। पर बच्चे को बचपन से एक चीज के लिए तैयार करता रहा कि चोरी कैसे की जाए, तो बच्चा भी बचपन से चोरी किया करता था। थोड़े समय बाद ये बुजुर्ग जो है घर पे आराम करने लगा और इसने अपने बेटे को चोरी के कार्य में लगा दिया। जिस दिन इसने अपने बेटे को पूरे समय फुल टाइम चोरी के काम में लगाया, अब इस पिता ने अपने बच्चे को शिक्षा दी कि मेरे पिता भी चोर थे और बेटा उन्होंने मुझे बोला था कि कभी किसी संत की कोई बात मत सुनना, जहां पे किसी संत का सत्संग हो रहा हो वहां पे कानों में उंगली डाल के निकल जाना। बच्चे ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और खूब चोरियां करने लगा। कहीं पे भी जाता कुछ ना कुछ उठा के ले आता। एक बार की बात है, इस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना बड़ा हाथ मारा जाए जिससे सालों साल का इंतजाम हो जाए। और इस बच्चे ने राजा के महल में चोरी करने की सोची। ये बच्चा जैसे ही राजा के महल की तरफ चोरी करने जा रहा था, अब तो बड़ा हो चुका था, इसको रास्ते में एक संत सत्संग करते दिखाई दिए। इसको अपने पिताजी की बात याद आ गई और इसने कानों में उंगलियां डाल ली जिससे कि कोई भी शब्द उसके कान में न चला जाए। दौड़ता हुआ भागा जिससे कि जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए, कोई असर ना पड़ जाए वहां का। रास्ते में क्या था, पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकराया, नीचे गिरा और कान में बात चले गई। बात क्या गई, संत बता रहे थे कि कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और साथ में संत ने बोला कि अगर किसी का नमक खा लें तो उससे नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, उसका कभी नुकसान नहीं करना चाहिए। अब इसने सोचा कि ये तो मेरा पेशा है कि चोरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसने राजा के महल में जाने की कोशिश करी पर दो बातें इसने सोचा, चोरी ना करना तो गलत बात है पर बाकी की दो बातें मान लेता हूं कि मैं सच बोलूंगा और कभी जिसका नमक खा लूंगा उसका नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोचा ऐसा मान के देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है। ये महल में पहुंचा, महल के दरवाजे पे पहुंचा तो सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां जा रहे हो? तो इसने बड़े खुश होते हुए बोला कि मैं तो चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। ये बात सुन के सिपाही ने सोचा कि शायद ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो महल में काम करता है और ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। उस सिपाही ने भी दरवाजा खोल दिया और उसको अंदर जाने दिया। बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा अरे संतों की शिक्षा इतनी अच्छी होती है। और उसके बाद जो है ये अंदर गया, महल के अंदर जब पहुंच गया तो इसने धीरे से अंदर घुस के सारा जो खजाने का सामान था वो एक बैग के अंदर भर लिया। सामान ज्यादा था, बैग छोटा था। इसने दो बैग भर लिए, फिर तीसरा बैग भरा, फिर चौथा बैग भरा। इसने सोचा इतना भारी सामान, इतना सोना चांदी मैं लेके कैसे जाऊंगा। थका हुआ था, इसने सोचा कि राजा की रसोई में जाके देखूं कुछ खाने को क्या क्या, राजा खाता क्या है, खाने को क्या है। जैसे ही रसोई में गया, सामान लेके गया, वहां पे खाना खा रहा था। वहां पे देखा, वहां पे तो खूब पकवान थे, खूब पकवान खाए। जब खूब पकवान खाए और इसको लगा, जब पकवान खा लिए तो याद आया कि जिसका नमक खा लें उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इसको लगा कि ठीक है, मैं तो चोर हूं, कहीं पे भी चोरी कर सकता हूं, ये गलती अब की बार हो गई, आगे नहीं करूंगा। खाना खाते हुए ध्यान आए, शायद पहले ध्यान आ जाता। इसने वो चोरी के बैग वहीं छोड़ दिए और चोरी के बैग छोड़ के महल से बाहर निकलने लगा। जब बाहर निकलने लगा तो फिर से सिपाही ने पूछा, हाँ भाई कर ली चोरी? तो उसने सिपाही को बोला कि जिसका नमक खाते हैं उसकी चोरी नहीं करते, मैंने आज ही सीखा था इसलिए चोरी नहीं की। सिपाही ने सोचा वो मजाक कर रहा है। सिपाही ने महल से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, इतने में पूरे महल में रसोइये ने शोर मचा दिया कि महल में चोरी हुई, रोको रोको रोको। पूरे महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये भी अंदर फंस गया। अब अंदर एक यही ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई जानता नहीं था, यानी कि निश्चित यही चोर था। अब इसको पकड़ लिया गया, राजा के सामने इसको पेश किया गया। जब राजा के सामने इसको पेश किया गया तो इसने बोला कि राजन, मैंने तीन बातें सीखी थी, एक बात तो मैं छोड़ नहीं सकता था, दो बातें मैंने सीख ली थी, उसको मैंने जीवन में धारण किया
और उन दोनों को धारण करने से आज मैं पकड़ा गया हूं। मेरे पिता शायद सही कहते थे कि मुझे कभी भी किसी संत का सत्संग नहीं सुनना चाहिए, मेरा काम खराब हो गया। अब आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं, पर मैंने आपको बता दूं आपको चोरी कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने आपका नमक खा लिया था। अगर आपका नमक ना खाया होता, उस संत की बात ना सुनी होती, तो मैं आपका सामान लेके अभी तक जा चुका होता। राजा को उसकी बात बड़ी पसंद आई, राजा बड़े खुश हुए और राजा को लगा कि अगर इस चोर को सजा दे दी तो जीवन भर बाहर निकलने के बाद भी ये चोरी ही करेगा। और राजा ने इसको एक नई बात करी, राजा ने इसको अपने यहां बोला कि मैं तुम्हारे को जो जीवन की जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें तुम्हारे बोलने से पूरी कर दूंगा, पर तुम एक काम करो भाई। बोले क्या? कि तुम मेरे महल की सुरक्षा व्यवस्था करो, तो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चोर कैसे कहां से चोरी कर सकते हैं, कोई डकैत क्या कर सकता है। इस तरीके से सोचने का ढंग तुम्हारे पास है, इस बात का तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम्हारे हर चीज की देखभाल हमारा राज्य करेगा, राजा करेगा। ये बात सुन के वो बहुत खुश हुआ और अब तो उसकी नौकरी लग गई, उसको अच्छे पैसे की ऑफर हो गई। इसके बाद ये अपने पिताजी के पास आया और पिताजी को बोला, पिताजी आप सही कहते थे कि मुझे किसी भी संत का सत्संग नहीं सुनना चाहिए, अगर मैं सुन लूंगा तो मैं आगे चोरी नहीं कर पाऊंगा, पर अच्छी बात यह हुई कि मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, ना जाने वो कौन सी एक बात संत महात्मा बोलें जो हमारे जीवन को पूरे तरीके से पलट डाले, इसलिए हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। कोई एक बात जीवन को पूरे तरीके से बदल देती है। जितने भी लोग जीवन में जिन्होंने बहुत अनोखे लक्ष्यों को अचीव करा है, उन्हें अनोखे लक्ष्यों को पाया है, उन लोगों के जीवन से हमें शिक्षा जरूर मिलती है, प्रेरणा जरूर मिलती है कि कोई एक बात उनके जीवन में ऐसी थी जिसने उनका पूरा जीवन पलट दिया। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है या किसी का जीवन बदलने की ताकत रखती है, इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आएंगे फिर एक बार फिर आपसे एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।